हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता। जनता पार्टी से बाहर बनकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और उसका पहला अधिवेशन महाअधिवेशन मुंबई में हुआ। तो उस समय पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष था और मुंबई में करना है तो अंदाज दिया गया था कि 18-20 हज़ार तक प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन देखते देखते वह आंकड़ा जो है वो 58 हज़ार तक गया। तो इतने लोगों की व्यवस्था, अचानक बढ़ी हुई संख्या और मुंबई जैसे शहर में करना, लेकिन हम लोगों ने दौड़ धूप करके सब बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। और फिर जाते समय अटल जी ने हमारी पीठ थपथपाई। और उस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि न्यायमूर्ति छगला, उनको हमने अधिवेशन में गेस्ट स्पीकर करके बुलाया था क्योंकि आपातकालीन स्थिति में छगला जी ने उसका विरोध किया था। और फिर हमने एक गेस्ट स्पीकर करके छगला जी को उस अधिवेशन में बुलाया था। तो अधिवेशन में उनको कोई हिंदी बहुत अच्छे ढंग से नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से बताया कि सारे देश के आए हुए प्रतिनिधि उनके सामने बोलते समय उन्होंने कहा कि देखिए मेरे सामने मिनी इंडिया है और मेरे दाहिने हाथ में देश का आने वाला प्रधानमंत्री है। और फिर सबने जोश से अगली बारी अटल बिहारी करके नारे लगाए। उस अधिवेशन की समाप्ति के तौर पर वाजपेयी जी ने जो भाषण किया वो आज भी हम लोगों के याद में है। और उस समय पर पीछे समुद्र था और उन्होंने कहा कि ये समुद्र को साक्षी रखकर मैं बोल रहा हूँ कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और बहुत ज़ोरदार इस प्रकार से हुआ। तो लेकिन वो भाषण तो अटल जी के भाषण तो हम लोग बहुत सुनते आए हैं, एक से एक बढ़िया भाषण उनके हमेशा होते रहे हैं। लेकिन अधिवेशन से जाते समय उन्होंने मेरे पीठ पर जो थाप लगाई और कहा कि भाई आपने व्यवस्था बहुत अच्छी की। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये 1980 के बाद अभी हम 2017 है, इतना दीर्घकाल होने के बाद भी इतना बड़ा अधिवेशन, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी लेकिन ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन अटल जी का जो एक मैग्नेटिक इस प्रकार का व्यक्तित्व था और चार्म था, बोलते समय लाखों लाखों लोग उनका भाषण, अन्य पार्टी के लोग भी वाजपेयी जी को सुनने के लिए आते थे। एक अच्छा वक्तृत्व, ऐसा वक्तृत्व हमने देखा भी नहीं। और प्रधानमंत्री तो देश में बहुत हुए, लेकिन जिस प्रकार से सभी को साथ में लेकर चलने की उनकी जो विशेषता थी, अपने साथियों को साथ में लेना, विपक्ष को भी अपने साथ में लेना, विपक्ष का भी अपने आप पर भरोसा प्राप्त करना, यानी यूनों में जब कश्मीर की बात कौन रखेगा इस प्रकार की बात हुई, तो उस समय पर नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अटल जी पर ये जिम्मेदारी दी। तो ऐसा व्यक्तित्व बहुत, लेकिन उनका स्वास्थ्य आजकल अच्छा नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो शतायु हो, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो।